इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी। बड़ी खबर है कि हाथरस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई खत्म हो चुकी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि मानवता के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार ने हाथरस पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार के मुताबिक बिना सहमति लिए रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें परिवार को शामिल नहीं किया गया। पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें शुरुआत से ही परेशान किया और सही ढंग से केस की जांच पड़ताल भी नहीं की। पीड़ित परिवार के साथ डीएम और एसपी के बयान भी दर्ज किए गए। सुनवाई के दौरान यूपी के कई आला अधिकारी भी कोर्ट रूम में मौजूद रहे, जिनमें अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार, हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल मौजूद रहे। अब 2 नवंबर को हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी, लेकिन इस सबके बीच प्रशासन को कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई और यह कहा गया कि मानवता के अधिकार से आप कैसे आखिर परिवार को वंचित रख सकते हैं। कोर्ट में हमने अपना सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा है, हलफनामा दिया है। पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे कोर्ट ने पूछताछ की है। अभी कोर्ट अपना निर्णय देगी, मुकदमा अभी विचाराधीन है, 2 नवंबर की डेट है, तो अभी कोई भी फाइंडिंग, कोई भी ओपिनियन, कोई भी ऑब्जर्वेशन न हम दे सकते हैं और कोर्ट का आदेश आने के बाद हम फर्दर आपको बताएंगे। कोर्ट ने कोई अगली डेट दी है? 2 नवंबर। तो अगली सुनवाई 2 नवंबर को मुकरर की गई है। 2-3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कुछ विशेष खास आपके पास अपडेट? अमित बोलिए। जी बिल्कुल, 2 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है और 2 नवंबर के दिन ही जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट में पेश होंगे। आज जो है पीड़ित परिवार ने अपना बयान दर्ज करवाया है। पीड़ित परिवार ने कोर्ट को कहा है कि जो उनकी बेटी की अंतिम संस्कार हुई है बिना उनके इजाजत के हुई है, अब वो अपनी बेटी को अंतिम विदाई भी नहीं दे पाए हैं, जिस पर कोर्ट जो है हाथरस प्रशासन पर काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर हाथरस प्रशासन पर किया है। इसके फेल हो रहा था तो आप ज्यादा फोर्स बुलाते, जबकि मुझे मेरा मानना है, वहाँ पर हम सभी ने वीडियो देखे कि करीब 200 से 300 पुलिस के लोग थे और जो वहाँ के आम पब्लिक थी, जो परिवार फैमिली रिलेटिव थे, वो करीब 50 से 60 लोग थे। 50-60 लोगों को क्या 200-300 पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती थी? आप रात भर उनको रोकते, 2-3 घंटे के बाद सुबह उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता, तो ये बहुत सारे सवाल पूछे गए। और अंतिम संस्कार आपको नहीं करने दिया गया, तो ये सारी बातें हैं परिवार ने अपनी रखी। साथ में राज्य से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका वो एक्सक्यूज है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो सकता था, लेकिन इसके तो हमारे पास भी प्रूफ हैं और आप सभी लोग कवरेज कर रहे थे कि वहाँ पर हार्डली रिलेटिव्स और उनके विलेज के लोग 50 से 60 लोग थे और जबकि वहाँ पर पुलिस 300 से 400 पुलिस के पर्सन थे, तो इतना पुलिस क्या उन 50 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता था? सारे बॉर्डर आपने सील कर दिए थे तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई इश्यू था ही नहीं, लेकिन इन लोगों ने मैलाफाइट तरीके से उस बेटी को जला दिया। और कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर ये डेड बॉडी किसी बहुत पैसे वाले पर्सन की होती तो आप हिमाकत करते ये काम करने की, तो कोर्ट का सीधा इंटेंशन है कि चाहे वो दलित हो, पीड़ित हो, आदिवासी हो, मजदूर हो, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला कोई भी व्यक्ति हो और चाहे अरब खरब पति हो, संविधान सबको इक्वल राइट देता है और उसके राइट को प्रोटेक्ट करना ये स्टेट की ड्यूटी है, ना कि उसके राइट का वायलेशन करना। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा है? कोर्ट ने इसी तरीके की फटकार लगाई। एडीजी जो प्रशांत जी हैं उनको भी कोर्ट ने कहा कि आप जिस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, मीडिया के थ्रू आया है कि वहां पर जो बेटी है FSL रिपोर्ट में उसमें डायग्नोज हुआ है कि रेप नहीं हुआ है, सीमन नहीं पाएगा क्या? सीमन पाना कंपलसरी 2013 का अमेंडमेंट है, IPC 375 तो 2018 में भी अमेंड किया गया है कि ये कंपलसरी नहीं है। फिर आप कैसे विदाउट लॉ को पढ़े, स्टडी किए, आप पब्लिक में आकर के इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं और आपके स्टेटमेंट को जो लोग हैं, जो पीड़ित एक्यूज के तरफ के लोग हैं, वो उसको मेन पॉइंट बना करके
डिफरेंट तरीके का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें और मेरी जो प्रेयर थी वो कोर्ट ने तीनों ही प्रेयर मान ली है। लेकिन केस की जो सुनवाई है दिल्ली या मुंबई, ये कोर्ट का अभी कहना है कि पहले आप इसको कंप्लीट होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन तो वही होगा जहां क्राइम हुआ है उत्तर प्रदेश में, देन आफ्टर ये केस 100% ट्रांसफर हो जाएगा। और परिवार का कहना है दिल्ली और मुंबई, तो जहां परिवार चाहेगा वहां ट्रांसफर कराऊंगा। 2 नवंबर को क्या होने वाला है? 2 नवंबर को राज्य अपना पक्ष रखेगा इसमें कि उन्होंने जलाया तो क्यों जलाया, एक्सक्यूज उनके जो भी प्रॉब्लम्स है हर चीज वो भी रखेंगे। कौन कौन से अधिकारी पेश होंगे 2 नवंबर? देखिए उसमें डीएम साहब अगेन पेश होंगे, एडीजे जॉन को भी जो बोला गया, लॉ एंड ऑर्डर उनको भी पेश होने के लिए बोला गया, इन सारे ऑफिसर्स को बोला गया जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल थे, जो लॉ एंड ऑर्डर देख रहे थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे। परिवार से किसका किसका बयान दर्ज हुआ है? सभी का हुआ है इसमें, यस, उसके फादर का, दोनों ब्रदर का और उनकी भाभी एंड उनकी मदर का। थैंक यू। तो ये थी सीमा कुशवाहा, इस वक्त हमारे साथ थी एक्सक्लूसिव, वो जुड़ी हुई थी। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि 2 नवंबर को जो है हाथरस प्रशासन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को दोबारा कोर्ट में पेश होना है। आज जो है पीड़ित परिवार ने अपना बयान दर्ज करा दिया है और पीड़ित परिवार ने जो आप बीती अपनी सुनाई है, पीड़ित परिवार ने साफ तरीके से कहा है कि जो अंतिम संस्कार हुआ है वो उनकी इजाजत के बगैर हुआ है। इसके अलावा जो प्रशासन की तरफ से कहा गया कि उस दिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता है, तो सीमा कुशवाहा का कहना है कि प्रशासन ने जैसे ही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकता है तो पीड़ित परिवार की तरफ से काउंटर किया गया, सीमा कुशवाहा की तरफ से काउंटर किया गया। उन्होंने कहा कि चारों तरफ से जब बॉर्डर सील कर दिए गए थे तो बाहर के लोग आते नहीं, तब तो ये दलील वहीं खत्म होती। तो इस पर जो है काफी ज्यादा नाराज हुआ कोर्ट, हाईकोर्ट नाराज हुआ हाथरस प्रशासन पे। अब 2 नवंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, 2 घंटे से ज्यादा इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है और अब 2 नवंबर को जब सुनवाई होगी तो हाथरस प्रशासन जो है अपना जवाब दायर करेगा। और जो 3 मांगे थी, जो पीड़ित परिवार ने 3 मांगे रखी थी, अपनी सुरक्षा को लेकर मांग रखी थी, इस केस के ट्रायल को लेकर जो बात कही थी कि दिल्ली और चाहे मुंबई में इस केस का ट्रायल हो, और जिस तरीके से लगातार एक पंचायत का एक गांव का एक गुट लगातार पंचायत कर रहा था, वो जो तमाम सवाल उठाए थे इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल उठाए थे, तो उसे फिलहाल कोर्ट ने कहा है कि ये आपकी बातें हैं, ये हम सुनते हैं, लेकिन फिलहाल इस कोर्ट का ट्रायल कंप्लीट हो जाने दीजिए। ट्रायल कंप्लीट हो जाए, इस पूरे मामले को, इस पूरे पक्ष को सुन लेते हैं। आज पीड़ित परिवार को सुने हैं, 2 नवंबर को स्टेट को सुना जाएगा, पुलिस को सुना जाएगा, उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें करना क्या है। यानी जी बिल्कुल, दो बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। एक बड़ी बात जो हाईकोर्ट की तरफ से कही गई कि टाला जा सकता था कुछ घंटे के लिए अंतिम संस्कार, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसा क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात कोर्ट की तरफ से ये कही गई कि भले ही रिपोर्ट में, जांच रिपोर्ट में ये साफ निकलकर नहीं आया हो कि गैंगरेप हुआ था या फिर नहीं, दलील दी गई कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि पिछले जो फैसले हैं उससे साफ होता है कि जरूरी नहीं कि कुछ दिन बाद जांच हो और उसमें निकलकर भी सामने आए, लेकिन पब्लिक में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। सबके बीच आपको बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस केस की सुनवाई करते हुए पीड़ित परिवार का पक्ष जाना। इसमें पीड़ित परिवार ने 14 सितंबर से 29 सितंबर तक की घटनाओं के बारे में अपनी आप बीती कोर्ट को बताई। हाईकोर्ट में पीड़ित परिवार ने अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट में पीड़ित परिवार ने हाथरस की पुलिस और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित परिवार ने हाथरस पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने हाथरस पुलिस पर शुरू से ही मामले की सही जांच ना करने का आरोप भी लगाया। इसके अलावा आपको बता दें पीड़ित परिवार ने आरोप यह भी लगाया कि पुलिस ने शुरू में घटना की FIR नहीं लिखी। परिवार ने आरोप लगाया कि बिना उनकी सहमति के ही पीड़ित लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने पुलिस और प्रशासन पर रात में ही बिना उनकी सहमति के अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में कहा कि अंतिम संस्कार के दौरान भी उनको दूर रखा गया। पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट से यह भी कहा कि उसे हाथरस पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार ने हाथरस के डीएम पर भी दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया। ये तमाम बातें, ये पूरा पक्ष पीड़ित परिवार की तरफ से कोर्ट में रखा गया। अमित, और कोर्ट की तरफ से जो फटकार लगाई गई, जो सवाल पूछे गए प्रशासन से, वो दोनों ही कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते फिलहाल। जी हाँ, फिलहाल जिस तरीके से पीड़ित पक्ष ने अपना बयान दर्ज कराया और उसके बाद जो कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है हाथरस प्रशासन पर, हाथरस के डीएम पर, हाथरस के SP पर, वो कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष के फिलहाल अभी पक्ष में जाता नजर आ रहा है। अब इस कोर्ट, अब जो है 2 नवंबर को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि जब 2 नवंबर को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होती है उस दौरान हाथरस प्रशासन की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है। और इसके अलावा 2 नवंबर को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को कोर्ट में पेश होना है, हाथरस के डीएम को कोर्ट में पेश होना है और
उनको उन तमाम दलील देना है जो वो अभी तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर कहते हैं। हालांकि आज भी प्रशासन की तरफ से जो अंतिम संस्कार देर रात जो अंतिम संस्कार की गई थी उस रात लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने और दंगा भड़काने वाली बात कही गई, लेकिन जो है कोर्ट ने इस पर नाराज कोर्ट जो काउंटर अटैक किया गया पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया कि सीमाएं पूरी तरीके से हाथरस की सील कर दी गई थी, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब कहां से होता, और जिस पर कोर्ट ने काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की। अब 2 नवंबर को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है और जो हम सुबह से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में सरकार के वकील यानी यूपी सरकार के वकील का क्या कहना है इस मामले पर और साथ ही पीड़ित पक्ष का भी। कोर्ट में हमने अपना सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा है, हलफनामा दिया है। पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है, पीड़ित परिवार के लोगों से कोर्ट ने पूछताछ की है, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनसे कोर्ट ने पूछताछ की है। अभी कोर्ट अपना निर्णय देगी, मुकदमा अभी विचाराधीन है, 2 नवंबर की डेट है, तो अभी कोई भी फाइंडिंग, कोई भी ओपिनियन, कोई भी ऑब्जर्वेशन न हम दे सकते हैं और कोर्ट का आदेश आने के बाद हम फर्दर आपको बताएंगे। कोर्ट ने कोई अगली डेट दी है? 2 नवंबर। देखिए पीड़ित परिवार ने अपनी बात रखी और पीड़ित परिवार की जो मांगे थी, जैसे हम सभी लोगों ने देखा कि जो SIT जांच कर रही है उस जांच की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक में हो रही आ रही है बाहर, तो ये इसको गोपनीय रखा जाए ये हमारी प्रेयर थी, तो कोर्ट ने इसको कंसीडर कर लिया है। दूसरा है कि केस को ट्रांसफर किया जाए, तो कोर्ट का कहना है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देन आफ्टर, तो मेरा भी वही रिक्वेस्ट था कि ट्रायल जो है वो यूपी के बाहर हो या तो दिल्ली या मुंबई में अकॉर्डिंग टू पीड़ित जो भी परिवार है उसके तरफ से। तीसरा है जो सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी आज तो स्टेट कर रहा है, कल उनका क्या होगा, तो उनको तब तक एटलीस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जब तक ये जो केस है पूरा फाइनल ना हो जाए, अपील तक, नॉट ओनली ट्रायल, अपील तक हाई कोर्ट में भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। अगर इसको डेथ सेंटेंस दिया जाता है तब तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भी जाएगा। निर्भया केस में आपने देखा कि ये प्रोसीजर जो है बहुत ही लंबा चलता है, तो तब तक इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। तो 3 मांगे पीड़ित परिवार की तरफ से, उन तीनों मांगों को मान लिया गया, तो वहीं सरकार के वकील की तरफ से कहा गया कि निर्णय विचाराधीन है। अमित आपके पास आते हुए, अब ये 2 नवंबर को जब अगली सुनवाई होगी तो क्या निर्णय आएगा या फिर अभी प्रशासन की तरफ से भी पक्ष रखा जाना बाकी है? जी, अभी प्रशासन की तरफ से पक्ष रखा जाना बाकी है गायत्री। अभी फिलहाल जो है इस पूरे मामले में केवल पीड़ित परिवार के जितने भी सदस्य हैं, यानी 5 सदस्य, पीड़ित के माता पिता भाई भाभी सबका बयान दर्ज हुआ है और तकरीबन 2 घंटे से जो ज्यादा समय तक सुनवाई हुई है। इस सुनवाई के दौरान जो पीड़ित परिवार है पूरा परिवार ने अपना बयान दर्ज करवाया। बयान में उन्होंने हाथरस प्रशासन ने जो देर रात अंतिम संस्कार किया था उस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जो वो अपनी बेटी को अंतिम विदाई भी नहीं दे पाए हैं और जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर उनकी बात की जा रही थी, फिलहाल उन्होंने कोर्ट रूम में कहा है कि जो सुरक्षा भी फिलहाल मिली है उन्हें पता नहीं वो कब तक रहेगा और फिलहाल जो गांव का एक गुट है लगातार पंचायत कर रहा है और प्रशासन को लेकर जो पीड़ित परिवार है वो तमाम सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ जो पीड़ित की तरफ से 3 मांग रखी गई थी वो 3 मांग की केस का ट्रायल जो है वो बाहर हो, दिल्ली या मुंबई में हो और जो बाकी जो ठीक है। अमिताभ आएंगे आपके पास, अजीत भी हमारे साथ है लखनऊ से। अजीत, 2 नवंबर की तारीख मुकरर की गई है हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है, जरा बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कब होनी है और क्या 2 नवंबर का इंतजार करना होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी काफी हद तक तस्वीर साफ हो सकती है कि हाई कोर्ट में चलेगा मामला कि नहीं? देखिए बिल्कुल दो मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी। जो हाथरस में जो वारदात हुई उसको लेकर जनहित याचिकाएं हुई है उसको लेकर जो लोग वहां गए और हाई कोर्ट में लखनऊ की बेंच में जो हो रही जिसकी 2 नवंबर डेट पड़ी है गायत्री, ये सिर्फ अंतिम संस्कार को लेकर सुनवाई थी। हालांकि जो पीड़ित पक्ष था उसकी उनके सारे बयान दर्ज हुए, 5 परिवार के जो सदस्य थे, साफ तौर पर कोर्ट ने यह कहा कि जो आरोप लगाया था पीड़ित पक्ष की तरफ से लगाया गया कि 50 से 60 लोग थे परिवार के और आसपास के लोग मिलाकर, जबकि 300 पुलिसकर्मी थे अंतिम संस्कार दिन में हो सकता था, लेकिन ADG कानून व्यवस्था की तरफ से प्रशांत कुमार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था लिहाजा हम ऐसा नहीं कर सकते थे, हमारे सामने कई सारी समस्याएं थे जिस पर हाईकोर्ट ने काफी अपनी नाराजगी जताई। पीड़ित परिवार ने DM हाथरस पर भी ये बताया कि आरोप लगाया कि उन्होंने दबाव बनाया, हम जब गए थाने में पहले हमारी सुनवाई नहीं हुई, बाद में FIR दर्ज हुई, तो पीड़ित परिवार की सारी बातें आज कोर्ट ने सुन ली है। लेकिन अभी जो पुलिस के अफसर हैं, जो DM हैं, इनकी
इनका पक्ष अभी 2 नवंबर को फिर से सुना जाएगा पूरे डिटेल से। आज जरूर विनोद शाही जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता थे उन्होंने सरकार की तरफ से पक्ष रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट का मामला अलग है। लेकिन ये तो सिर्फ एक एंगल है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में पूरी घटना का मामला है और जो सवाल जवाब यहाँ किए जा रहे हैं घटना से जुड़े, अंतिम संस्कार से जुड़े, ये सवाल तो वहां पर भी किए जाएंगे, इस पर आएंगे आपके पास। लेकिन इस सबके बीच अपने दर्शकों को बता दें हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट हर खबर देखिए news18india.com पर। और इस सबके बीच बड़ी खबर हाथरस कांड से जुड़ी, बड़ी खबर है कि हाथरस मामले की जांच करने के लिए सीबीआई की जो टीम है हाथरस में मौजूद है। आज से सीबीआई की टीम ने सबूत जुटाने और पूछताछ का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया है। सीबीआई हाथरस केस में हत्या, गैंगरेप और SC/ST एक्ट के तहत पहले ही दर्ज कर चुकी है FIR। इस मामले की जांच करें यूपी के SIT को अब तक जो तथ्य हासिल हुए हैं वो भी सीबीआई से साझा किए जा रहे हैं। हम सीधे दीपक बिष्ट की तरफ रुख करते हैं, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, सीबीआई जांच को लेकर और क्या अपडेट अब तक? अब ये भी कहा जा रहा है कि सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए गायत्री, आज सीन को रिक्रिएट करने की बात की गई थी, लेकिन सीबीआई अभी शाम 5 बजे तक नहीं आ पाई है क्योंकि हम मौके मुआयने की जगह पर ही हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने पूरे उन सभी दस्तावेजों को आज रीड किया है दिन भर, क्योंकि सीबीआई ने किसी और दूसरी जगह पर ना ही थाने की तरफ यहाँ पर कोई आया, ना ही मौके मुआयने की जगह पर आया जहाँ पर गांव है, ना ही वहाँ पर सीबीआई की टीमें पहुँची। तो इसका मतलब साफ है कि सीबीआई उन दस्तावेजों को पहले सही और भली भांति पढ़ना चाहती है, क्योंकि कल से ही लगातार उनके पास पूरी फहरिस्त है और वो सभी लिस्ट हैं जहाँ जिनके बयान लिए जा चुके हैं SIT और लोकल पुलिस के द्वारा। उन सभी गवाहों की बयान जिन जिनके आए हैं उनकी लिस्ट है, जो विटनेस था जिसने उस पूरी घटनाक्रम को देखा था, गांव के जितने लोग थे उनकी लिस्ट अलग बनाई गई है। और अब टीम को बांटा जाएगा और इन सभी को टास्क दिया जाएगा कि किसको किससे पूछताछ करनी है। वहीं जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको भी एग्जामिन किया गया है। साथ ही सीबीआई ने आज पूरा दिन लगातार उस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार ब्यौरावार पढ़ा है, और क्योंकि वो समझना चाहती है, जानना चाहती है कि आगे शुरुआत से लेकर लास्ट 22 सितंबर तक, 14 सितंबर से 22 सितंबर तक क्या क्या हुआ था और कितने कितने लोगों के बयान हुए थे, किन लोगों के नाम इसमें आरोपी हैं और कितने लोग गवाह हैं, ये सभी चीज़ उन्होंने पढ़ ली है। अब ये देखा जाएगा कि कल या परसों से सीबीआई एक बार फिर उन सभी लोगों को जिनसे SIT पूछताछ कर चुकी है, जिनसे बयान ले चुकी है, उनके पास जाकर बयान ले सकती है। जी ठीक है, अमित जरा ये बताइए, क्योंकि सीबीआई की टीम हाथरस में गांव में मौजूद है, पीड़ित परिवार अभी कहा है कि आज ही हाथरस वापस लौटने का कार्यक्रम, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? जी फिलहाल पीड़ित परिवार को अब से 15 मिनट पहले, पीड़ित परिवार को जैसे ही मामले की सुनवाई खत्म हुई, जो हाथरस प्रशासन था, जो हाथरस की SDM जिस की अगुवाई में जो काफिला था, उस काफिले में बैठाकर हाईकोर्ट से यहां से निकाल दिया गया है। तो निश्चित तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि जो है अब जो हाथरस प्रशासन पीड़ित परिवार को लेकर वापस हाथरस गया होगा। और जो सीबीआई की टीम है, जैसे ही अभी तो फिलहाल बीते कल जो सीबीआई की टीम हाथरस पहुंची थी, CO से मुलाकात की, जो केस डायरी था और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स थे उन डॉक्यूमेंट्स को अपने कब्जे में ले लिया है और उन का गहन अध्ययन कर रही होगी। और निश्चित तौर पे इन डॉक्यूमेंट्स का जब अध्ययन पूरा हो जाएगा तो एक बार वो हाथरस के उस पीड़िता के गांव पहुंचेगी, क्राइम का सीन को रिक्रिएट करेगी। इसके अलावा पीड़ित परिवार का सबसे पहले बयान लेगी, यानी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआती दौर की जो चीजें होती है वो करेगी, और उसके बाद इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को थोरली वो करेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहा है, आज हाईकोर्ट में भी जिस तरीके से सवाल उठा है, जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने सवाल उठाया है, हाथरस प्रशासन पर सवाल उठाया, हाथरस के DM पर सवाल उठाया, अंतिम संस्कार देर रात किए जाने के मामले पर सवाल उठाया है, और उसके बाद कोर्ट नाराज हुआ है, तो जाहिर तौर पे जो अब सीबीआई है वो इस पूरे जांच को पूरी तरीके से करेगी, और पहले तो वो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखेगी जो शुरुआती जांच में जो अफसर इस पूरे मामले को देख रहे थे, वो उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को, केस डायरी को, और जरूरत पड़ेगा तो शुरुआती दौर में जो अफसर इस पूरे मामले में थे उनका भी बयान दर्ज कर सकती है सीबीआई। तो फिलहाल जो है 2 नवंबर को जो आज का जो हाईकोर्ट का सुनवाई था, अब 2 नवंबर को जो है हाईकोर्ट दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेगी। उस दिन 2 नवंबर के दिन हाथरस प्रशासन जो है काउंटर अटैक करेगा। आज जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने अपना पूरा बयान दर्ज करवाया है, पीड़ित परिवार ने जिस तरीके से अंतिम संस्कार प्रशासन की तरफ से अब अपना पक्ष 2 नवंबर को भी रखा जाएगा, कुछ चीजें जरूर रखी गई आज जब सवाल उठे तो। अजीत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अजीत अपडेट?
देखिए बिल्कुल हाथरस जो आज पूछताछ हुई है हाई कोर्ट में, सिर्फ पीड़ित परिवार का पक्ष हाई कोर्ट ने शुरू किया है। इसके साथ ही जो सरकार के अधिवक्ता थे विनोद साई, उन्होंने ये दलील दी थी कि हमें और समय दिया जाए, हम भी अपना पक्ष रखेंगे और पूरी तैयारी के साथ पूरा पक्ष रखेंगे। तो पीड़ित पक्ष को सुना है हाईकोर्ट ने और कुछ अपने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, नाराजगी जाहिर की है। लेकिन एक बात सबसे बड़ी बात है कि 16 अक्टूबर एक ऐसी तारीख है जो बहुत कुछ तय करेगी। SIT की जांच उस दिन पूरा हो रही है गात्री, और सरकार ये चाहती है कि जब हम 2 नवंबर को आएंगे तो 16 अक्टूबर तक SIT की जांच भी आ जाएगी, सरकार के सामने प्रस्तुत भी हो जाएगी और पूरी SIT की जांच के साथ हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। क्योंकि SIT के जांच में बहुत सारे ऐसे बिंदु है जिसको लेकर राज्य सरकार काउंटर अटैक करेगी, जिस तरह आज पीड़ित परिवार ने सरकार पर और प्रशासन पर आरोप लगाया है। तो वो तारीख और महत्वपूर्ण होगी कि हाईकोर्ट अपना फाइनल निर्णय क्या देता है, क्योंकि 2 नवंबर को हाईकोर्ट प्रशासन से उसकी बात सुनेगा। DM हाथरस से लेकर जो सरकार के DG लॉ एंड ऑर्डर है, जिन्होंने आज कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी इसलिए हमें रात में अंतिम संस्कार करना पड़ा। तो निश्चित तौर पर 2 नवंबर की तारीख भी गायत्री काफी महत्वपूर्ण होगी, और जब काफी महत्वपूर्ण होगी। लेकिन उससे पहले आप बता रहे कि 16 अक्टूबर जब SIT की जांच पूरी हो रही है, यानी वो जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, और यही बता रहे हैं अजीत के, इसीलिए वक्त मांगा गया है कोर्ट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोर्ट से। इस सबके बीच आपको बता दें बड़ी खबर ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार बक्सर गैंगरेप केस से जुड़ी बड़ी खबर ये, बक्सर गैंगरेप केस में पीड़ित महिला को कोर्ट ले जाया गया, जहां पीड़ित महिला का बयान दर्ज किया गया। इससे पहले अस्पताल में भर्ती पीड़ित महिला का बयान पुलिस ने भी दर्ज किया था, और इसके बाद पुलिस की सुरक्षा में पीड़ित महिला को कोर्ट ले जाया गया। इससे पहले पीड़ित महिला के घर वालों ने गैंगरेप का केस दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़ित महिला को जांच के लिए ले जाया जा रहा। मैडम इन्हें कहां ले जा रही? अभी तो बयान के लिए। बयान के लिए ले जा रही, थाने पे ले जा रही। पीड़ित महिला को बयान के लिए ले जाया जा रहा, इनका बयान दर्ज होगा। अभी थोड़ी देर पहले अधिकारियों से बातचीत हुई थी, स्वास्थ्य अधिकारियों से, उनका कहना है कि शारीरिक तौर पे कोई अब दिक्कत नहीं है, लेकिन मानसिक तौर पे स्थिति इनकी खराब है, क्योंकि बच्चे को खोने का गम भी है। और अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि ये पूरा मामला राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। BSP अध्यक्ष मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है, न्याय की मांग की है, और तमाम दूसरी पार्टियों ने भी न्याय की मांग की है, और ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में न्याय हो। पीड़ित महिला को आप देख सकते हैं, इनको पुलिस की महिला जो अधिकारी हैं, पुलिस की महिला कांस्टेबल हैं, वो इन्हें ले जा रहे बयान दर्ज करने के लिए। और ये आरोप लगाया है कि 2 लोगों का नाम लिया गया है इस पूरे मामले में, और कुछ लोगों पे शक है। आप बताइए आपको किस पे शक है, किसने किया आपके साथ ये? आपको किस पे शक है बताइए आप, क्या हुआ आपके साथ बताइए, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी आप? हालत बहुत खराब है, कुछ कह नहीं पा रही हैं, लेकिन कुछ नाम अपने परिवार वालों को बताए हैं, और उसके बाद जो है पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मेडिकल रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के बक्सर में एक महिला से दरिंदगी की खबर सामने आई। ये खबर दहला देने वाली है, क्योंकि महिला से दरिंदगी के बाद उसके 5 साल के बच्चे की हत्या भी कर दी गई। महिला के परिवार वाले आरोप लगा रहे कि उसका गैंगरेप किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शनिवार को हुई घटना के इतने घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पुलिस या फिर डॉक्टर इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि महिला का गैंगरेप हुआ है। हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी सभी की तलाश की जा रही है। न्यूज 18 पर सबसे चौंकाने वाली बड़ी खबर, बिहार में हैवानियत की हद हुई पार, चुनावी माहौल के बीच शर्मसार बिहार। जांच में दावा किया गया कि बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई। न्यूज 18 को मिली ताजा जानकारी के मुताबिक बक्सर में बच्चे के शव का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने परिवार वालों को शव सौंप दिया। घर वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लिहाजा फिलहाल बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। बिहार में हुई इस घिनौनी वारदात की खबर मिलते ही न्यूज 18 की टीम उस अस्पताल पहुंची जहां पीड़ित का इलाज चल रहा है। बक्सर रेप मामले की पीड़िता को बक्सर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्चे की, जिसकी मौत हो गई है, वो आनी बाकी है। लेकिन आप देख सकते हैं 5 वर्षीय बच्चे की हत्या के बाद पीड़िता को रेप का आरोप परिवार वालों ने लगाया। पीड़िता यहीं अस्पताल में भर्ती है।
अस्पताल में भर्ती बेटी की हालत से मायूस माता पिता के बेबस चेहरों ने बहुत कुछ बयां कर दिया और बेटी के लिए इंसाफ की उम्मीद में पिता का दर्द भी छलक उठा। जैसे अन्याय भइल बा वैसे ओकर इंसाफ होखे के चाही सर। अपराधी पकड़ा जाओ, ओकरा के पूरा सजा दिहल जाओ, ओकरा के फांसी का ऑर्डर होखे। न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक घटना के दिन महिला अपने मायके में थी और पीड़ित महिला के मुताबिक घटना को अंजाम देने वाले लोग उसके गांव के ही हैं। हालांकि खबर है कि पीड़ित का मेडिकल हो चुका है और जल्द ही रिपोर्ट आने की उम्मीद है। अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे मामले में मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की जांच की जाएगी और इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। न्यूज 18 की टीम की मौजूदगी में ही पीड़ित को बयान दर्ज कराने के लिए अस्पताल से थाने ले जाया गया। मैडम इन्हें कहां ले जा रही? अभी तो बयान के लिए। बयान के लिए ले जा रही, थाने पे ले जा रही। पीड़ित महिला को बयान के लिए ले जाया जा रहा, इनका बयान दर्ज होगा। हालांकि इस घटना में अपने बेटे को खो चुकी महिला इतने सदमे में है कि वो अपने दिल का दर्द तक बयां नहीं कर सकी। किसने किया आपके साथ ये? आपको किस पे शक है बताइए आप? उधर किसके? उधर क्या हुआ आपके साथ बताइए। जबकि पुलिस मामले की पूरी तहकीकात का भरोसा दिला रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच रेप मानकर ही की जा रही है, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही सही तस्वीर सामने आएगी। पीड़िता का 164 का बयान कराने हेतु यहाँ पे हम लोग लाए हैं। उनका मेडिकल बोर्ड से जांच कराया गया है, रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं है। एक दो आदमी का नाम और अन्य का नाम इनके पिताजी के द्वारा बताया गया है, जिसमें दो ये मान्य हैं। दो में से एक प्राथमिकी अभियुक्त की गिरफ्तारी हम लोगों ने कर लिया है, बाकी की गिरफ्तारी के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वारदात को 5 आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया, जिनमें पुलिस ने 2 लोगों को नामजद किया है, जबकि FIR में 3 अज्ञात लोगों का भी जिक्र है। फिलहाल सिर्फ एक आरोपी को ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन खून खौलाने वाली इस वारदात ने बिहार के बढ़ते क्राइम के ग्राफ से जुड़े कई सवालों को सिर उठाने का मौका दे दिया है। और इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर बिहार के बक्सर से ही, जहां एक महिला की गैंगरेप के आरोप और उसके बच्चे की हत्या के मामले में अब सियासत भी गर्मा गई। RJD और JDU ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुशासन का आरोप लगाकर बोला हमला, तो JDU आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का दावा कर रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान हुई बक्सर की घटना ने सूबे की सियासत को जरूर गर्मा दिया है। बिहार के बक्सर कांड की सबसे बड़ी पड़ताल। बक्सर कांड से हिल गई बिहार की सियासत। नीतीश सरकार पर फूटा RJD का गुस्सा। बिहार में महिला से दरिंदगी का आरोप। अभी तक 5 में से एक ही आरोपी गिरफ्तार। बक्सर कांड ने बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया है। इस जघन्य वारदात ने सुशासन का दम भरने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विरोधियों को हमला करने का मौका दे दिया है। नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोला लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने और सरकार में बैठे लोगों का अपराधियों से गठजोड़ का आरोप लगा दिया। सुशासन है बिहार में, अभी सब आप आरोप लगा करके सुशासन पर उंगली उठा रहे हैं, सुशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी की सरकार यही कहेगी? जिस तरह से ये लोग दुहाई देते हैं सुधार, रोज की ये घटना हो गई है। कोई ऐसा नहीं है कि बक्सर की घटना अपवाद है, मन बढ़ा हुआ है अपराधियों का। पटना शहर में, राजधानी में तड़तड़ 146 का इस्तेमाल होता है, 156 का इस्तेमाल होता है कि SIT का गठन किया गया है, ये होगा वो होगा। महिला से गैंगरेप और उसके बच्चे की हत्या के आरोप का मामला सुर्खियों में आते ही पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है, जबकि इस मामले में 3 अज्ञात लोगों की भी तलाश है। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने का वादा कर रही है। देखिए, बहुत विवादित घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, घृणात्मक घटना है। दोषी तो किसी हालत में बख्शे जाएंगे नहीं, आज तक नहीं बख्शे गए हैं, लेकिन ये कहीं कहीं समाज का गंदा चेहरा दिखाता है।
माँ से गैंगरेप, बच्ची को मारना, क्या है ये? ऐसे ऐसे चेहरों को समाज में आइडेंटिफाई करके उनको बिल्कुल अलग करने की जरूरत है। लेकिन एन चुनाव के बीच बक्सर में हुई इस घटना ने नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था के हालात पर सवालों की बारिश शुरू कर दी है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को कुशासन बाबू का तमगा ही दे दिया। ये बिहार के कानून व्यवस्था की पोल को खोलने का काम करता है। अपराधी बेखौफ होकर लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिहार में जंगल राज में तब्दील हो चुका है। जब से भाजपा और जदयू की सरकार है, छिनैती, लूट, हत्या, बलात्कार उस प्रदेश की पहचान बनी हुई है। समय आ गया है, बिहार की जनता जवाब देने जा रही है। नीतीश जी को जाना होगा। सीएम नीतीश कुमार पर आरजेडी कांग्रेस का हमला। बक्सर कांड पर सीएम नीतीश कुमार को घेरा। चुनाव के बीच बिहार में गूंजा बक्सर कांड। एक और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां सीधे सीधे राज्य में अपराधियों के बुलंद हौसले का आरोप लगा रही हैं। बिहार में भी जमीन तलाश रही बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया, बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान भी गैंगरेप व हत्या आदि की हो रही लगातार जघन्य घटनाएं अति दुखद व अति चिंताजनक है। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि वहां जंगल राज चल रहा है। चारों तरफ से हो रहे हमलों ने नीतीश की पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जेडीयू सफाई दे देकर मुख्यमंत्री के बचाव में लग गई है। जो कुछ बक्सर में हुआ है, इससे घृणित और पार्श्विक कोई कृत्य नहीं हो सकता है। जिस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसके पुत्र की हत्या करके आहार में फेंक दिया गया, उसके FIR पर स्थानीय पुलिस ने नामजद अभियुक्तों में एक की गिरफ्तारी कर ली है और दूसरे की गिरफ्तारी के लिए दबिश बनी हुई है। बहुत जल्द दूसरा व्यक्ति भी गिरफ्तार होगा। सवाल ये उठ रहा है कि दो दिन पहले बक्सर में महिला के साथ हुए गैंगरेप के आरोपों की अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है और पुलिस भी फरार आरोपियों की तलाश में खाली हाथ पांव मार रही है। जवाब प्रशासन के साथ सरकार को भी देना होगा। जिस तरह से बक्सर में घटना घटी है और एक महिला ने कहा है कि सामूहिक बलात्कार उनके साथ हुआ है और एक बच्चे का भी उनके बच्चे का भी सब मिला है, ये पूरा जांच का विषय है कि आखिर इस घटना के लिए जिम्मेवार कौन है। शासन और प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। इस बीच सियासत में कूदने की कोशिश कर रहे पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे का ट्विटर अकाउंट भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने खुद को बक्सर का बेटा बताया, लेकिन बक्सर कांड पर उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। उधर दो हफ्ते बाद 28 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले राउंड के चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कानून व्यवस्था का सवाल चुनावी मुद्दा बने। और इसी के साथ आपको बता दें, बक्सर केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए newsarinindia.com पर।